राधे 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 कृष्ण 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन प्याज खाते हैं घर में और सेवा कैसे करूं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कई बार घर में सभी सदस्य होते हैं, मम्मी पापा सास ससुर और घर के अन्य सदस्य भी होते हैं, तो सब पर हम नियम लागू नहीं कर सकते। हम भक्ति करते हैं तो हम अपने ऊपर नियंत्रण और अपने ऊपर नियम लागू कर सकते हैं, घर के अन्य सदस्यों पर हम नियम लागू नहीं करते हैं। हम भक्ति करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ना कि घर में लड़ाई या झगड़ा। क्योंकि कई बार होता है कि अभी एक क्या मैंने सुना था कि हमारे इधर एक बहन जी लड्डू गोपाल लेकर आई और वो खूब अच्छे से सेवा करती, तो उनमें हस्बैंड वाइफ में ही लड़ाई शुरू हो गई। वो उनके हस्बैंड बोलने लगे कि तुम तो सारा दिन बस लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती हो, इन्हीं में लगी रहती हो, घर को नहीं देखती हो, किसी बच्चों को नहीं देखती, ये सब। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें घर में नहीं होनी चाहिए भगवान को लेकर। भगवान के वजह से कभी घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सुख देने वाले होते हैं, वो क्लेश नहीं देते हैं। तो हमेशा नियंत्रण या नियम अपने ऊपर लागू कीजिए, घर के और सदस्यों पर नहीं। अगर घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो खाने दीजिए, लेकिन आप ध्यान रखें, जो व्यक्ति सेवा करता है घर में, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, सेवा लाते हैं, तो वह व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि ठाकुर जी का भोजन बनाना है तो बिना प्याज का बनाएं, उन्हें बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। अगर आप खाने का अन्न का भोजन नहीं लगा पाते हैं तो आप फलों का, दूध का, मिश्री का, माखन का, दही का ये भोग लगा दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी स्थिति जानते हैं, आपके घर की सभी बातें जानते हैं, तो जो भी परिस्थिति, जो भी आपके घर की स्थिति है वो सब जानते हैं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का भोग लगा दीजिए, दही दूध का, माखन का, फलों का, बिस्किट वगैरह, इनका भोग लगा दीजिए और आप सेवा कर सकते हैं। आप मंदिर में ठाकुर जी बिठाते हैं, आराम से बिठाइए अपने मंदिर में, ठाकुर जी को विराजमान करें, स्नान कराए, उनको सुंदर पोशाक पहनाइए, श्रृंगार करिए और अपने मन से, भाव से मानसिक भोग लगा दीजिए आप कान्हा जी को अन्न का, वो उसे भी स्वीकार कहते हैं। कलयुग में मानसिक पूजा का भी उतना ही फल मिलता है जितनी हम भगवान के सामने मंदिर में खड़े होकर पूजा करते हैं। तो भगवान हमारे मन के भाव को जानते हैं, तो आप इस तरह से सेवा करें, क्योंकि सेवा आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता आपके घर में। आप लेकिन आप गृहस्थी में हो तो अपने अन्य जो भी आपके गृहस्थी के कर्म है उन्हें आप अच्छे से करते रहिए। आप भगवान के साथ में अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी भी अच्छे से पूरी करें, जिससे कि कोई नाराज ना हो, कोई लड़ाई ना हो, ठाकुर जी को लेकर कोई भी घर में क्लेश ना हो। भगवान तो घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाते हैं, खुशी देते हैं, क्लेश नहीं देते हैं। तो आपको ये खुद देखना, सोचकर चलना पड़ेगा कि अपनी भक्ति को आपको एक तरफ लेकर चलना और अपने घर के कार्यों को एक तरफ लेकर चलना है। तो इस तरह से अपनी भक्ति करते चले, जिसमें आपके घर में भी कोई अड़चन ना आए और आपके घर के सदस्य भी खुश रहे और आपकी भक्ति भी बहुत ही अच्छे से होती रहे। इसी भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने अच्छे कर्म, अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करते हैं, तो भगवान भी हमारी भक्ति से तभी प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इस तरह से आप सेवा कीजिए। आप क्योंकि लहसुन प्याज खाते हैं, बाहर लोग रहते हैं, वो भी जॉब करते हैं, वो भी खाते हैं, तो नहीं रोक सकते हम। लेकिन जो भी व्यक्ति घर का भक्ति करता है, लेकिन वो ये इस बात का ध्यान रखे, वो ठाकुर जी को लहसुन प्याज का बना भोग ना लगाए। और आप खाना बनाकर दे सकती हैं, आप जो भी आपके बच्चे खाना चाहते हैं आप उनके लिए बनाइए, करिए, लेकिन ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग ना लगाइए। काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप उनका भोग लगाइए लहसुन प्याज की चीज़ों को छोड़कर, और अच्छे से अपनी सेवा करें, भक्ति करें, मन से करें, मानसिक सेवा करें, उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्ति जरूर कीजिए, ठाकुर जी की सेवा जरूर करें। अगर आपके मन में भाव है मुझे कान्हा जी की सेवा करनी है, तो आप जरूर करें, कोई दोष नहीं लगता है। भगवान तो सेवा से प्रसन्न होते हैं, भगवान तो हमेशा घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। भगवान की वजह से कभी भी घर में कोई कलेश ना करे। अपने घर से जीवन के कार्य को कहते हैं कि जब हर इंसान में हर इंसान में भगवान होते हैं, तो आप यही मानकर सेवा कीजिए कि मैं तो भगवान की सेवा कर रही हूँ। तो जब आप यह मानकर सेवा करोगे अपने घर के सदस्यों की, तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधे 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 कृष्ण 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की।